हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। ठीक है, सीएस कोर्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे करना है, क्या उसमें सिलेबस होता है, क्या उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो सारी बातें क्या है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप न्यू है इस चैनल पे, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कल को हम कोई भी वीडियोस डालते हैं सीएस कोर्स से जुड़ी हुई, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले है हम बात करेंगे कि सीएस करनी कब चाहिए। प्लस टू के बाद करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद करें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करें। तो आंसर है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर ली जाए, क्योंकि पहले जो सिस्टम था, पहले प्लस टू के बाद आप स्टार्ट करते थे, सीएस फाउंडेशन करनी होती थी, और आप स्टार्ट करते थे ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सीधी सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिल जाया करती थी। बट अब ऐसा नहीं है, 2020 में अमेंडमेंट आई है, अब सीधा सिस्टम कर दिया गया। आप बेशक प्लस टू के बाद स्टार्ट करिए, आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करिए, आप चाहे बेशक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करिए, या सीपीटी के बाद या सीएमए इंटर के बाद स्टार्ट करिए, बट आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या हुआ, सीएस एग्जीक्यूटिव में अपीयर होने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप अगर प्लस टू कर चुके हैं, ठीक है, या अभी बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको ये वेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी बीकॉम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपको फटाफट सबसे पहले क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। जस्ट 1000 फीस है उसकी, आपको उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पूछेंगे सर उसमें है क्या, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। तो उसमें बेटा चार पेपर है, और चारों पेपर जो है 50-50 मार्क्स के हैं। तो आउट ऑफ 200 आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 50%, यानी कि 100 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। अब आप पूछेंगे सर उसका सिलेबस बताइए, तो उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बेटा वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो 50 मार्क्स का है, जो टोटली क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें पहली बात याद रखिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सेकंड पेपर है वो किसका है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का, वो भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, उसमें भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और थर्ड जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट, वो भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, उसमें भी क्या है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो फोर्थ पेपर है वो क्या है, आपका करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, बट इसमें वाइवा का एग्जाम भी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होगा, जिसमें क्या है कि आपका कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक है। उसमें कुछ जो 15 मिनट्स का जो पेपर होगा, इसमें होगा 30 मार्क्स का, ठीक है, उसमें क्या होगा, वाइवा का एग्जाम होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपके ये 200 का क्या हो गया बेटा, आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम का जो है, ठीक है। अब बात यह है कि सर ये एग्जाम होते कब है, पहले जो सीएस फाउंडेशन थी उसके एग्जाम बेटा होते थे साल में दो बार, जून में और दिसंबर में, पर आप भूल जाइए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए वो सीएस फाउंडेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है वो साल में कितनी बार होगा, वो बेटा होगा साल में चार बार। अब कब होगा, वो मई में होगा, ठीक है, मई में होगा, जुलाई में होगा और नवंबर में होगा और जनवरी में होगा। कब मैं कह रहा हूँ, मई में, ठीक है, जुलाई में, नवंबर में और जनवरी में चार बार एग्जाम होगा। अब है कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो पहला, अगर आप मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 21 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि एग्जाम होगा कब, तो 10 मई के नज़दीक जो भी सैटरडे आएगा तभी आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, 20 मई तक आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आप दिसंबर में क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव में आप अपीयर हो सकते हैं। फिर दूसरे एग्जाम कब होंगे, जुलाई में होंगे, ठीक है। उसके लिए जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, 21 मई से लेके 15 जून तक क्या है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम कब होंगे, ठीक है, 10 जुलाई के नजदीक जो सैटरडे आएगा वहां एग्जाम होंगे, और 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और नवंबर में जो एग्जाम होने हैं उसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, वो क्या है, 21 जुलाई से आप 15 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम कब होंगे, 10 नवंबर के नजदीक जो भी क्या है सैटरडे आएगा उसमें एग्जाम होंगे, और 20 नवंबर तक है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और जो जनवरी में एग्जाम होने हैं उसके लिए अप्लाई कब तक कर सकते हैं आप, 21 नवंबर से लेके आप 15 दिसंबर तक क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो एग्जाम होंगे जो 10 जनवरी के नजदीक जो भी सैटरडे आएगा एग्जाम हो जाएंगे, और आपके 20 जनवरी तक रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की बात। यानी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले था कि 9-9 महीने का इंतजार करना होता था सीएस फाउंडेशन के एग्जाम देने के लिए। अब क्या है कि अभी फॉर्म भरा और 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो गया। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी, तो प्लस टू के बाद कीजिए,
आप ग्रेजुएशन की बात कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कीजिए, बट आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, केवल 3 बच्चों को ही एग्जाम होता है जो पुराने सिलेबस में सीएस फाउंडेशन कर चुके हैं, उनको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, या जिन्होंने सीए फाइनल के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, या जिन्होंने सीएमए फाइनल के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होगी, सीए फाइनल सीएमए फाइनल के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, उनको केवल सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्ट होगा। बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा सीए करने के बाद सीएस इंटर करेगा, कि बच्चे जब करते हैं तो साइमल्टेनियसली ही करते हैं। क्या हुआ, जैसे सीपीटी के एग्जाम क्लियर किए, आपने सीएस एंट्री मार दी, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर किए, आपने क्या किया, सीएस एंट्री मार दी, वो एंट्री मारना खत्म। अब क्या है कि सबको कहां से आना पड़ेगा, पहले सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, तब जाके क्या है कि आप क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में अपीयर हो सकते हैं। तो यानी कि आप प्लस टू ग्रेजुएशन के बाद करते हैं या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है। नेक्स्ट है बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव। अब जैसे मैंने बताया कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जो अगला पड़ाव है वो कौन सा होगा, सीएस एग्जीक्यूटिव का होगा। उसमें बेटा चार क्या है, आपका चार पेपर का क्या है, एक ग्रुप है, इसको आप मॉड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है या मॉड्यूल कह सकते हैं वो भी चार पेपर्स का है। आपकी मर्जी होती है, चाहे वो क्या है कि आप चार पेपर एक बार में दे सकते हैं या आठों पेपर आप एक बार में दे सकते हैं। अब सर उसमें है क्या, तो उसमें कुल मिला के ग्रुप वन में जैसे मैंने बताया चार पेपर है। अब वो चार पेपर कौन से हैं, पहला जो पेपर है ये ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टॉर्ट्स के बारे में, ठीक है, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सभी बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं। ये थोड़ा सा क्या है, ये आपका एक लीगल पार्ट काफी ज्यादा कह सकते हैं आप। पहला क्या हुआ, ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। सेकंड पेपर क्या है, कंपनी लॉ, जो है ब्रेड एंड बटर जो है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स का, वो क्या है, कंपनी लॉ। ये आपका बड़ा मेन पेपर होता है, ठीक है, आपके नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आपको ये सबसे ज्यादा काम आती है कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का ही है। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये काफी इजी पेपर है आपका, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है। और नेक्स्ट है टैक्स लॉज, ठीक है, टैक्स लॉज। और जो ग्रुप टू है उसमें भी क्या है, चार पेपर है, पहला क्या है आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स का है, सारे 100 मार्क्स का ही होता। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, और नेक्स्ट है इकोनॉमिक कमर्शियल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, और लास्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 8 में से 3 पेपर जो है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। सर वो कौन से, पहला टैक्स लॉज का, दूसरा क्या है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और थर्ड क्या है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि तीनों के तीनों पेपर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, इसमें मिनिमम जो मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए वो कितने चाहिए, 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में, और जो एग्रीगेट कलेक्टिवली जो आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए वो कितने चाहिए, 50% चाहिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर इसके फॉर्म कब भरने होते हैं, देखिए जब आपके क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो चुका है, फिर आपको क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना होता है। अब सीएस एग्जीक्यूटिव के जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं साल में 2 बार किए जाते हैं, जैसे हमने बात की थी कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के जो एग्जाम है वो साल में कितने बार कंडक्ट किए जाते हैं, 4 बार, ठीक है। तो और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम है वो केवल साल में कितने बार कंडक्ट होंगे, 2 बार। और सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद आता है सीएस प्रोफेशनल, उसमें क्या होता है भी वो भी 2 बार होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए जो सबमिट करते हैं फॉर्म उसकी जो लास्ट डेट होती है वो क्या होती है। पहली बात, अगर आप जून में अपीयर होना चाहते हैं दोनों ग्रुप में, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव फेल है, मैं इसी बात किसकी कर रहा हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव की। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव में जून में आप दोनों ही ग्रुप में अपीयर होना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट करने की होती है वो 30 नवंबर होती है। अगर आप जून में एक ग्रुप देना चाहते हैं, एक मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होती है वो क्या होती है, 31 जनवरी। कहने का भाव ये हुआ कि यानी कि अगर आप एक ग्रुप में अपीयर होना चाहते हैं तो चार एग्जाम से 4 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ग्रुप में अपीयर होना चाहते हैं तो एग्जाम से आपको 6 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा। पहले टाइम काफी लंबा था, एक ग्रुप के लिए 6 महीने का गैप था और 2 ग्रुप के लिए 9 महीने का गैप हुआ करता था। अब क्या है, दोनों ग्रुप देने हैं तो एग्जाम से 6 महीने पहले भरो, यानी कि 30 नवंबर तक, ठीक है। और अगर आपको एक ग्रुप में देना है तो 1 जून को पेपर स्टार्ट होते हैं, तो आपको क्या है कि 4 महीने पहले एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, यानी वो क्या है 31 जनवरी। और अगर आपको दिसंबर में अपीयर होना है तो क्या है कि सिमिलर वैसे ही है कि दिसंबर में अगर आपको अपीयर होना है तो दोनों ग्रुप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कब तक कर सकते हैं, 31 मई तक। और अगर दिसंबर में आपको केवल एक ही ग्रुप देना है तो लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल में क्या है कि जहां मैंने 2 ग्रुप बोले हैं एग्जीक्यूटिव के, वहां प्रोफेशनल के क्या है कि तीनों ग्रुप में आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। और जहां मैंने 1 ग्रुप बोला एग्जीक्यूटिव का, वहां पे क्या प्रोफेशनल का 1 ग्रुप में आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा क्या है कि सीएस प्रोफेशनल का लेवल क्या है,
ये क्या है कि सीएस कोर्स में सबसे लास्ट पड़ाव होता है क्या है, सीएस प्रोफेशनल का जो प्रोग्राम का जो सिलेबस है वो क्या है। जैसे आपने देखा कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में 4 पेपर हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने हैं, 8 पेपर हैं, और सीएस प्रोफेशनल में कुल मिलाकर कितने पेपर हैं, 9। ठीक है, 9 आपके एग्जाम में जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि 3 ग्रुप है या मॉड्यूल बोल सकते हैं, मॉड्यूल 1 2 3। ठीक है, अब मॉड्यूल 1 में क्या है कि 3 पेपर है, उसमें पहला पेपर क्या है, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस एंड एथिक्स, ये 100 मार्क्स का है। यहाँ पे कोई पहले याद रखना कि सीएस प्रोफेशनल में किसी प्रकार का कोई क्या है कि आपका कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड नहीं होता, यहाँ सभी पेपर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। सेकंड जो पेपर होगा बेटा वो क्या है, एडवांस टेक्स्ट क्लॉज का होगा। ठीक है, ये सबसे टफ पेपर माना जाता है किसमें, सीएस प्रोफेशनल में। और जो थर्ड पेपर ग्रुप 1 का होगा या मॉड्यूल 1 का होगा वो कौन सा होगा, ड्राफ्टिंग प्लेडिंग एंड अपीयरेंसेस। ठीक है, ये तो हुआ मॉड्यूल 1 का। और जो मॉड्यूल 2 में है वहां पे भी 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट है, पहला क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस, और जो सेकंड है वो क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। और जो लास्ट पेपर है ग्रुप 2 का वो कौन सा है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस एंड आपका रेमेडीज। ठीक है, और जो मॉड्यूल 3 है उसमें भी क्या है, 3 पेपर है। ठीक है, जैसे पहला पेपर कौन सा है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज सेकंड पेपर जो है, और लास्ट में इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव में काफी कुछ है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आईपीआर है, फोरेंसिक ऑडिटर, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी लॉज है, तो आप इसमें से कोई पेपर चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ध्यान ये रखना है कि आपको 2 पेपर जो है वो ओपन बुक होंगे, वो कौन से, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज वाला एक ओपन बुक है, यानी आपको जितनी मर्जी बुक्स ले जा सकते हैं, अपने एग्जाम में बुक्स खोल के आप क्या है कि पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं होता। और जो इलेक्टिव पेपर इसमें भी ऐसे ही ओपन बुक है, ठीक है, आप क्या है कि बुक्स साथ में ले जा सकते हैं और दखल मार के आप लिख सकते हैं, बट ये भी इतना आसान नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या लिखा है, अगर आप बिना पढ़े चले जाएंगे तो पता भी नहीं होगा, बट फिर भी क्या है काफी कुछ आसान है। नेक्स्ट है बेटा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंटर टेस्ट का तो केवल 1000 रुपये लगेगा, बट सीएस एग्जीक्यूटिव का थोड़ी फीस ज्यादा है। जैसे आप एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर करके आते हो, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर करके आते हो, बेशक आप प्लस 2 के बाद आते हो या आप आते हो किसके बाद, आप ग्रेजुएशन के बाद या आप आते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी फीस कितनी लगेगी बेटा, आपकी जो फीस लगेगी ठीक है वो अलग है, बट हाँ अगर देखिए अगर आप पहले क्या है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप प्लस 2 के बाद आते हो, अपने ग्रेजुएशन के बाद आते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आते हो, पर आपको क्या है कि एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगर आप आएंगे ठीक है एग्जीक्यूटिव में, तो आपकी फीस कितनी है, 10,600, बट इसमें से 500 रुपया ऑप्शनल है, तो आप कह सकते हैं कि 10,100 रुपया आप कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, है अब अलग बच्चों के लिए जिनको क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्ट है, ठीक है, सीएस फाउंडेशन अब वो आपको कोई मतलब नहीं है, अब जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने सीएस फाउंडेशन में अप्लाई किया उनकी बात हो रही है, ठीक है, सीएस फाउंडेशन क्लियर करके आएंगे तो उनका फीस कितनी है, 10,600 ही लगेगी, बट हाँ ये उन बच्चों के लिए नेक्स्ट जो है वो है 15,600, ये केवल उन बच्चों के लिए जो है क्या कि सीए फाइनल या सीएमए फाइनल एग्जाम क्लियर करके क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री सीधी मारते हैं, बट अगर आप प्लस 2 एग्जीक्यूटिव प्लस 2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एंट्री मारते हैं, जैसे बताया आपको कि वो क्या है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो ऑब्वियसली क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आपको लगेंगे 1000 रुपए, वो क्लियर करने के बाद क्या है कि आप एंट्री करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में, ठीक है, वहां पे फीस कितनी रहेगी आपकी, 10,600। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है सैलरी के बारे में। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बच्चे के माइंड में आता है वो सर क्या है कि सीएस की सैलरी क्या है। देखिए पहली चीज तो ये याद रखना, बेशक कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, ठीक है, डिग्री तो सबके पास सेम ही होती है, एक जैसी होती है, कोर्स प्रोग्राम जो किया होता है सबने एक जैसा ही किया होता है, बट सिमिलरिटी कभी नहीं होती कि हाँ भी एक डॉक्टर है दूसरा डॉक्टर है वो सेम कमा रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक का क्या है, स्किल है, टैलेंट है, उसकी जो प्रैक्टिकल जो उसने सीखा है वो हर एक का मैटर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीएस की, अगर हम बात करें इंडिविजुअली तो सीएस कोर्स की क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद जो मिनिमम से मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो अराउंड 25,000 से 30,000 तो स्टार्टिंग हो जाती है, कम से कम मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद तो क्या है कि पैसे की जो कोई लिमिट नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आपके स्किल पे, ठीक है, आप कैसे उस पर मेहनत करते हैं, ठीक है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करते हैं, आपको एक कंपनी को प्रूव करके देना होता है कि आप उसके वर्दी हैं जो आप पैसे मांग रहे हैं। अगर आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जो भी मांगते हैं उसकी आपको क्या है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए डिपेंड भी करता है कि टीयर 1 सिटी में आप काम करते हैं, टीयर 2 में काम करते हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, मुंबई है, वहाँ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि वहाँ पे
सैलरी ज्यादा ही होती है। बट आप जब छोटी सिटीज में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आप हरियाणा में, पंजाब में, किसी छोटी सिटीज में आते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज या बड़ी सिटीज के मुकाबले क्या है, जो आपकी क्या है कि सैलरी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती है। बट मेनली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और मेनली डिपेंड करता है कि आपका जो स्किल है, टैलेंट है, वो क्या है। ठीक है, अगर आप में काफी नॉलेज है, स्किल है, आप अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऑब्वियसली क्या है कि आपकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस वीडियो में केवल इतना ही है। ऐसी वीडियोस हम क्या है कि रूटीन बेसिस पर डालते रहते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन बटन है उसको भी क्या है आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस है आपको मिलती रहे। और आपकी कोई भी क्वेरी है इस सीएस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।